दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नरेन तिवारी एंड वेलकमिंग माय चैनल नरेन पैराडाइज। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैंने बनाई है ये उनके लिए है जो यूट्यूब पे नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं मैंने चैनल स्टार्ट क्यों किया था, या फिर मैं अपने चैनल पे क्या कर रहा हूँ। तो अगर इनमें से कोई सवाल आपके दिमाग में है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते टाइम दिमाग में आता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैनल स्टार्ट करना एक बहुत ही आसान काम है। मुश्किल काम ये है उसमें अपनी जर्नी को सस्टेन कर पाना, स्पेशली मेरे और आपके जैसे नए यूट्यूबर्स के लिए। तो दोस्तों, आज की जो मैंने वीडियो बनाई वो मैंने बस यही सोच करके बनाई है कि मैंने जब से रिसेंट टाइम से रेगुलर वीडियो बनाना शुरू किया है तब से मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग सा फील होने लगा, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। हमारे जो भी दोस्त यूट्यूब पे आना चाह रहे होंगे या फिर नया चैनल स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा यार अब तो बहुत लेट हो चुका है, ऑलरेडी हज़ारों करोड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं हर कैटेगरी में। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा आज के टाइम पर हर मिनट यूट्यूब पे 300 घंटे की वीडियोस अपलोड होती हैं और डेली 5 बिलियन वीडियोस लोग देखते हैं यूट्यूब पे। तो आपका जो जजमेंट है कि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप अगर खुद के बारे में भी सोचेंगे तो आप उनमें से कुछ को ही फॉलो करते हैं। आप क्यों फॉलो करते हैं? अगर आप पर्सनली बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानते होंगे, हज़ारों यूट्यूबर्स को जानते होंगे, लेकिन अगर आप खुद से पूछेंगे तो आप उनमें से कुछ की ही वीडियो रेगुलरली देखते हैं, शायद वो 5, 10 या 20 हो सकते हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि आप उनकी वीडियोज़ डेली क्यों देखते हैं, तो आपको मिलेगा कि आपका शायद उनसे कुछ कनेक्शन है, या हम जिनकी भी वीडियोज़ देखते हैं उनको ये फील होता है शायद कुछ कनेक्शन है, किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो सकता है, नॉलेज का कनेक्शन हो, कोई नॉलेज मिल रही हो उससे, हो सकता है स्माइल अच्छी लगती हो, एटीट्यूड अच्छा लगता हो, बिहेवियर अच्छा लगता हो, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर की वीडियो डेली देखते हैं। तो जैसे आपके फ्रेंड्स सर्किल में फ्रेंड्स होते हैं, उसी प्रकार से यूट्यूब का भी सर्किल होता है और उसमें आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो आपके जैसी लोकेलिटी में हज़ारों लोग होंगे, आपकी सिटी में लाखों लोग होंगे, हमारी कंट्री में करोड़ों लोग हैं। तो अगर जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपके जैसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ कनेक्शन आपसे भी फील होगा, तो वो आपकी यूट्यूब वीडियोस भी देखेंगे। उसके अलावा जब भी यूट्यूब पे कोई नया क्रिएटर आता है तो यूट्यूब नए क्रिएटर की वीडियोस को नॉर्मली प्रमोट करता है, लेकिन वो वीडियोस जब प्रमोट होती हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि उस कैटेगरी की वीडियोस जो पहले से थी उनसे आपका जो कंटेंट है बेहतर है या नहीं। दोस्तों, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का ऐसा कोई थंब रूल नहीं है और ना ही मेरे पास एज सच कोई भी आइडिया है कि मैं आपको वो कन्फर्म आइडिया दे दूंगा तो कल को आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे या आप चैनल स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये एक 24/7 काइंड ऑफ जॉब है। और सबसे मेन चीज़ इसमें जो डिपेंड करता है कि आप ये काम करते टाइम इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रन में वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस काम को इंजॉय कर रहे हो। क्योंकि एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आप टाइम कहाँ से लें। दोस्तों, टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर होता है। क्योंकि सपोज़ अगर मैं अपने डेली रूटीन के 10 से 12 घंटे अपनी जॉब में लगाता हूँ, उसके बाद मैं भी और आप भी अपना डेली अच्छा खासा टाइम यूज़ करते होंगे सोशल मीडिया में, दोस्तों से मिलने में, बातें करने में, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे वीडियोस देखने में, मूवीज़ देखने में, गाने सुनने में। तो अब यही आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या फिर यूट्यूब में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वीडियो बनाने में। दोस्तों, बाकी सारे काम करने में जो इन्जॉयमेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा इन्जॉयमेंट अब मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने में होता है। तो मैं अपने डेली रूटीन में जॉब के अलावा जितना भी समय बचता है उसमें मैंने सारे सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिया है, सारा इंटरटेनमेंट कट ऑफ कर दिया। सपोज़ अगर मैं ऑन एन एवरेज 2 घंटा भी मान के चलूँ, हर इंसान 2 घंटा इन सारी चीज़ों में नॉर्मली ऑन एन एवरेज देता है, कभी आधा घंटा या कभी 3 घंटा, तो मैं सारा टाइम अब यूट्यूब पे ही देता हूँ। आपने मेरी लेटेस्ट वीडियोस में देखा भी होगा, मैं 2 महीने से ऊपर हो गया मैं अपने होम टाउन में हूँ, लेकिन मैं फ्रेंड से मिलने के लिए घर से बाहर बस 1 या 2 बार ही निकला होऊंगा। अदरवाइज़ मेरा सारा टाइम जो भी बचता है जॉब के अलावा वो सब यूट्यूब में ही जाता है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की बाकी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है अगर आप वो चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो या बनाना चाह रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप डिसीज़न ले सकते हो कि आप करना है या नहीं करना है। दोस्तों इसके अलावा आपके मन में ये भी सवाल होगा कि तब क्या करें जब आपके पास कोई परफेक्ट प्लान ना हो, यानी कि आपको ये नहीं पता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर आपको ये आइडिया नहीं है कि आप किस चीज़ में वीडियो ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जितने भी टॉप यूट्यूबर्स को देखा होगा या बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा, उनको भी आधे टाइम ये नहीं पता होता है कि वो किन चीज़ों पर वीडियो बना रहे हैं या बनाने वाले हैं, या फिर क्या काम कर रहे हैं जो वो शूट कर रहे हैं। इवन मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मेरी आधी वीडियोज़ में मुझे भी नहीं पता होता है मैं क्या बनाने वाला हूँ, लेकिन बस उस टाइम पे जो मुझे अच्छा लगता है मैं बनाता हूँ, जो मुझे इंटरेस्ट आता है जिस टॉपिक पे मैं उस चीज़ पे वीडियो बना देता हूँ। दोस्तों अगर फिर भी आपका दिमाग ब्लैंक है, कोई जवाब नहीं है, बस केवल इंटरेस्ट है लेकिन इसका आंसर नहीं है कि क्या करना चाहिए, और उसके लिए आप मेरी हेल्प चाहते हो, तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि पहले तो आप ये सोचिए आपको क्या बातें करना पसंद है। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स उनसे आपको किस टाइप की बातें करना पसंद है, आपको जिस प्रकार की बातें करना पसंद है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, फिर उससे आप दूसरों को क्या फील करवा सकते हो, मतलब आप उन्हें एजुकेट कर सकते हो, आप उन्हें एंटरटेन कर सकते हो, आप उन्हें हंसा सकते हो, या फिर आप उनके स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, आप उन्हें स्मार्ट बना सकते हो। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, आपकी जो भी थिंकिंग है, आप जिस प्रकार की भी बातें करते हो उससे आप दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हो। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो जो भी मैं अपने व्लॉग्स बनाता हूँ, जो भी मैं अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो उससे मैं ये चाहता हूँ लोग इंटरटेन हों। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ जैसे कि ये हो गई, या फिर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हो गई, लाइक सैनिटाइज़र बनाना, या फिर कोरोना में आप अपनी इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव करें, तो इस टाइप की मैं वीडियोज़ बनाता हूँ लोगों को कुछ लर्निंग देने के लिए, एजुकेट करने के लिए जिनको ज़रूरत हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये वीडियोस उनके लिए है जो लोग YouTube में इंटरेस्ट रखते हैं, अभी चैनल स्टार्ट किया है या फिर करने की सोच रहे हैं, या फिर जो ये जानना चाहते हैं मैंने क्यों स्टार्ट किया था, या फिर मेरे दिमाग में क्या चलता है वीडियोज़ बनाते टाइम। उसके बाद एंड में आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मनी, अटेंशन, या फिर आप फेम, आप प्रसिद्ध होना चाहते हो दुनिया में। इसका जवाब कुछ भी हो सकता है, इसका जवाब ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति में कोई इसका आंसर देना है। इसका जवाब आप सही भी सोच सकते हैं, गलत भी सोच सकते हैं, जो भी जवाब इसका आपके लिए है, आपके मन में है, वो आपके खुद के लिए है, और वही YouTube पे आपका चैनल स्टार्ट करने का रीज़न आपको दे सकता है। अब आपके मन में दिमाग होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा। दोस्तों मैंने YouTube पे पहली वीडियो जो अपलोड करी थी वो अप्रॉक्सीमेट एक 4 साल पहले करी थी करीब, और रेगुलरली मैंने वीडियोस बनाना YouTube के लिए स्टार्ट किया 1 सितंबर 2020 से, और ना केवल YouTube, ट्विटर पे मेरा जो फर्स्ट ट्वीट है वो है 2011 का, अप्रॉक्सीमेट 9 साल पहले का, और ट्विटर पे मैं अभी तक रेगुलर नहीं हुआ हूँ। सो आप ये डर अपने दिमाग से निकाल दिए कि अगर आप फेल होंगे तो क्या होगा। आप अगर किसी रिस्क से डरते हैं तो केवल एक रिस्क से डरिए, कुछ फ्यूचर में जब भी आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़ करके देखें तो आपको किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो। आपको केवल इसी चीज़ से डरना चाहिए और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों अब अगर इरादा भी बन गया है और टॉपिक भी आ गया है और आपको समझ भी आ गया है कि आपको चैनल स्टार्ट करना है या नहीं करना है, वीडियोस बनानी है या नहीं बनानी है, तो उसके बाद जो दूसरे मेन सवाल होंगे आपके दिमाग में वो होगा इक्विपमेंट से रिलेटेड कि मुझे क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो दोस्तों आपको इक्विपमेंट के नाम पे बस केवल एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो मेरे हाथ में है इस टाइम, मैं इसी से अपनी ऑलमोस्ट 99% वीडियो बनाई है। ये वीडियो मैं अपने कैमरे 200D Mark 1 से शूट कर रहा हूँ, लेकिन इस DSLR से मैंने गिनती की 2-4 वीडियोज़ आज तक की बनाई है जिसमें से ये एक है, अदरवाइज़ मेरी 99% वीडियोज़ मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से ही बनाई है। स्टार्टिंग में मेरे पास आईफोन था, मैं उससे वीडियोज़ बनाता था, मेरा पहला आईफोन चोरी हो गया, दूसरा आईफोन का मदरबोर्ड मेरा ख़राब हो गया, उसके बाद
मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो रेडमी नोट 5 या 6 प्रो था उससे मैंने बनाई हैं, और पिछले काफ़ी समय से मैं रेडमी नोट 8 प्रो से ही वीडियो सारी शूट कर रहा हूँ। तो आपको अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए केवल दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के नाम पे आपको केवल फ़ोन चाहिए, इवन आपको ट्राईपॉड और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके घर में भाई बहन बच्चा वाइफ कोई भी है, केवल उनसे आपको कुछ 15-20 मिनट का टाइम चाहिए होगा, आप ट्राईपॉड की जगह उनको भी दे सकते हो। और अगर आप इक्विपमेंट लेना भी चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो माइक पे, क्योंकि साउंड सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके पास माइक है और अगर आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास ट्राईपॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप खुद की वीडियोस भी शूट नहीं कर सकते हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप फोटोज़ के साथ भी वीडियो बना सकते हो, क्योंकि अगर कोई बंदा आपकी वीडियो देख रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी आवाज़। अगर आपकी आवाज़ ही साफ नहीं होगी तो फिर समझ में नहीं आएगा, कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं होगा लेगा। एक बार में वीडियो क्वालिटी से तो काम चल जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी आप साउंड को रखना है आपको, जिसमें आप माइक पर इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस टाइम माइक लगाया हुआ है। उसके अलावा मेरे पास और भी इक्विपमेंट है, जो भी, जैसे कि DSLR हो गया, ट्राईपॉड हो गया, गोरिल्ला पॉड हो गया, जिसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस महीने मैंने सोचा था, मैंने खुद को टारगेट दिया था कि मुझे डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड करनी है, वो भी केवल मैं मोबाइल से ही शूट करूँगा। तो अगर आप जानना चाहते हो मेरे पास टोटल कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, तो वो सारी मैं एक अलग से लिस्ट बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। उस आप चाहे डायरेक्ट अमेज़ोन पर जाके परचेज़ करो, या फिर आप डायरेक्ट मेरे लिंक से परचेज़ करो, उसके रेट्स में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, सेम होगा। नौ, दूसरा बड़ा सवाल, वीडियो तो बना ली, आप उसे एडिट करके अपलोड कैसे करोगे? तो एडिटिंग के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाते हो या आपका एक कैरियर लेवल सेट हो जाता है, आप एटलीस्ट बिगनर लेवल के ऊपर जाने लगते हो, तभी आपको परचेज़ करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, जैसे कि उनमें से एक सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है Vlogit। Vlogit आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, और Vlogit आप डाउनलोड करने के बाद वहां से आप शूट भी कर सकते हो। Vlogit आप डाउनलोड करने के बाद वहां से आप एडिट करके YouTube पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अलावा अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें iMovie करके फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, ईजी टू यूज़ होता है। उसके अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर हैं, किसी का कई सॉफ्टवेयर्स आपको ट्रायल वर्जन में मिल जाते हैं, कई बार उसमें वाटर मार्क आता है। तो आप एक बार स्टार्ट करोगे तो अपने यूसेज के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आप वन बाई वन स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर से या फिर फ़ोन में जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उनसे काम चला सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों इस वीडियो के साथ साथ मैंने YouTube की अपनी जर्नी में, छोटी सी जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा है, चाहे वो वीडियोस एडिट करना हो, चाहे वो ग्रो करना हो, मैं उन सारी चीज़ों पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने की सोच रहा था। तो अगर इस वीडियो पे मेरे अगले दो दिन में 500 व्यूज़ कम से कम आते हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ डे वन से मैं डेली एक वीडियो आपको दूंगा, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं भी है मैं सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा भी चैनल नया है, अभी केवल एक महीने इसको होने वाले हैं। तो एक महीने में अगर मैं चेक करूँ तो काफ़ी आगे बढ़ गया, अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले कुछ ही महीनों में मोनेटाइज हो जाएगा। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं YouTube से रिलेटेड या YouTube पे कैरियर से रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, अगर मेरे इस वीडियो पे मुझे ऐसा फील होता है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।